देखिए यहाँ एक नज़ारा, गजब। देखा तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं स्नैक लवर सर जी। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा ही अनोखा रेस्क्यू आप जो देख रहे हैं, बहुत ही विचित्र रेस्क्यू हुआ था। यहाँ पर एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा, यानी बड़ी स्पेक्टिकल्ड कोबरा एक छोटे स्पेक्टिकल्ड कोबरा को अपने मुँह में पकड़े हुए है, और ये इतना जटिल था क्योंकि दोनों का मुंह फ्री है। फ्री मतलब यानी ये उसके गर्दन पे पकड़े हुए है, जो बड़ी स्पेक्टिकल्ड कोबरा है उसके गर्दन पर, जो बड़ी नागिन है, हालांकि नागिन ही है वो, तो उसको गर्दन पर पकड़े हुए था, तो इस वजह से उसका सिर खुला हुआ है। अब मैं किसी भी तरीके से अगर यदि हेड होल्ड भी करता हूँ, उसका सिर पकड़ता हूँ, तो किसी का भी सिर पकड़ूँगा दूसरा मुझे काटने को पहले तैयार होगा। तो काफ़ी कठिन और काफ़ी जटिल परिस्थितियों में होने के बावजूद भी मैंने इस रेस्क्यू को कंप्लीट किया। आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में इस रेस्क्यू को क्या हुआ है। पहले एक को होल्ड करना पड़ा चूँकि वो आधी ऑलरेडी पहले से ही दीवार में धंसी हुई है। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी, आप देख सकते हैं इस कोबरा की हालत एकदम हो चुकी है। ये भी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा उसने काटा होगा, बहुत ही मुश्किल से सही, मगर मैंने इस रेस्क्यू को फिनिश किया। आप देख रहे हैं मैंने एक रेस्क्यू कर लिया है और उसे डब्बे में ही डालना पड़ा क्योंकि और कोई तरीका नहीं था। ऑलरेडी मेरे इसमें थैले में मैं पहले से ही दो सांप ऑलरेडी रेस्क्यू करके रखा हुआ था, और उसके बाद ये रेस्क्यू कॉल बीच में ही आ गया तो मुझे बीच से ही आना पड़ा। इसके बाद फिर मैंने इसको मजबूरन हेड होल्ड ही करना पड़ा, हालांकि मेरे हाथ में इतनी अच्छी पकड़ नहीं बन पा रही थी क्योंकि काफ़ी नज़दीकी समय में ही मुझे सांप ने काटा हुआ था, तो मेरे हाथ में अभी भी सूजन हल्की सी है, मेरी उंगली में अभी भी सूजन हल्की सी है। और उसके बावजूद भी मैंने इस रेस्क्यू को कंप्लीट किया क्योंकि ये मेरा उद्देश्य जो है, मेरा, मैं अपने काम कर्म को अपना धर्म मानते हुए मैंने इसको कैसे भी करके बचाने का ठाना ही था। इसलिए मैं, चूँकि आप देख सकते हैं लोग कितने बेचैन और कितनी परिस्थिति ख़राब थी, यहाँ तक कि दीवार को खोदना भी पड़ गया। दीवार कच्ची थी इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, निकाल तो पाया और अच्छे से रेस्क्यू हुआ। लेकिन वाकई दोस्तों, लोगों का जो हृदय होता है, जो इतने अच्छे लोग थे ये जिन्होंने मुझे यहाँ पर सहयोग दिया और मैं इस सांप को आसानी से रेस्क्यू कर पाया। देख सकते हैं आप कितना कठिन रेस्क्यू था, और वो उसमें धंसी हुई है और मैं खींच नहीं पा रहा था क्योंकि काफ़ी कठिन स्थिति थी। ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं खींच सकते क्योंकि सांप को नुकसान होना भी नहीं चाहिए। मैं अपने सारे जतन लगा रहा था, और आप इसकी लेंथ देखिएगा, इसकी हेल्थ हाइट, इसकी मोटाई और लंबाई देखिए आप इस सांप के। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, देख सकते हैं आप क्या मस्त खाते पीते घर से है। और इस स्थिति में काफ़ी जानलेवा रेस्क्यू था ये, हालांकि देख सकते हैं आप मैंने इसको बैग इन कर दिया है और अब सबसे कठिन और ख़तरनाक रेस्क्यू को मैंने अंजाम दिया, आप लोगों ने देखा। दोस्तों आप लोगों से ऐसे ही निवेदन है कि जब भी इन ऐसी स्थितियां बनती हैं प्लीज़ हम लोगों का सहयोग दें। ये देखिए, मैंने बताया था कि मैं पहले से दो सांप रेस्क्यू किया हुआ था, ये चेकर्ड किलबैक है, यहाँ पास में ही नदी है तो छोटा सा नाला है, वहाँ से वो नदी में जुड़ा हुआ है और अभी वैसे ही बरसात का सीजन है तो वो आराम से चला जाएगा। और इसके बाद ये एक रैट स्नैक भी है, धामन सांप जिसे बोलते हैं, ये भी किस्मत से इसी वक्त रेस्क्यू हुआ था। ये देखिए मेरे कैमरामैन के पास पहुंच गया था। चलिए कुछ नहीं होता। अब ये मेरा, जो मैंने आपको बताया था कि इसकी हालत काफ़ी नाजुक है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा, जब इसको रेस्ट मिल गया, करीब एक डेढ़ घंटे का इसको जब रेस्ट मिल गया तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्वस्थ तो है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर स्थिति में है। अब समझ नहीं आता है कि इसके साथ क्या करूं क्योंकि
इसको जो बाइट हुई हैं, इसकी ही प्रजाति के सांप ने इसको बाइट की हैं। अब इसमें ना तो मैं हल्दी ही लगा सकता हूँ, ना मैं कुछ कर ही सकता हूँ, क्या करूँ। इसके चलते मैंने कुछ नहीं किया, इसको थोड़ा सा दुरुस्त, जब ये देखा कि हाँ ये थोड़ा दुरुस्त है, बाइट करने के साथ साथ ये चलने में सक्षम रहा, तो मैंने इसको जाने दिया। और अब आपको दिखाते हैं भव्य रिलीज उस नागिन का, जिसे आपने अभी देखा था, अच्छी खासी हेल्थ, ये देखिए। और इस स्थिति में तो आप देख सकते हैं उसकी लंबाई, और इसने मेरे ऊपर अटैक करने के पुरजोर प्रयास किए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये ऊपर चढ़ चढ़ के मेरे ऊपर अटैक करना चाहती है, पूरा प्रेशर लगा रही मेरी तरफ आने का, वो तो मैं इसे आने नहीं दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना आप। दोस्तों प्लीज़ वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक करें। अभी आपने देखा, ये कोई स्टंट नहीं है, ये तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को समझाइश देने के लिए कि इन जीवों के साथ में किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना करें। जब भी ये जीव आप लोगों को दिख जाते हैं, प्लीज़ सुदूर रहें, सतर्क रहें, और हम जैसे किसी भी सर्प मित्र को, अपने नज़दीकी सर्प मित्र को बुलाएं और इन जीवों को बचाने में सहयोग दें। ध्यान रखें दोस्तों, अभी अभी नागपंचमी निकली है, प्लीज़ आप लोगों से विशेष निवेदन है कि सपेरा जो सांपों को पकड़ते हैं, उन्हें उनसे सांप कभी ना पकड़वाएं, क्योंकि वो इन जीवों को मारते ही हैं, कभी बचाते नहीं हैं। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर नज़ारा दोस्तों, ऐसे नज़ारे केवल आप लोगों को स्नैक लवर सर्जी में ही देखने को मिलेंगे। इसकी हाइट, इसकी हेल्थ जो कि आपने देखी, और इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ये शांत है, क्योंकि अब उसे विश्वास हुआ है कि शायद खतरा इतना विशेष नहीं है, इसलिए उसने अपने आप को थोड़ा शांत कर लिया है। देख सकते हैं आप, अब उसने अपने फन को थोड़ा सा इतना तीव्र नहीं फैलाया हुआ, इतना कमज़ोर ही रखा है। दोस्तों हम लोग आप लोगों को सही जानकारियां देते हैं, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी जाना है, वो सब कुछ पुस्तकीय ज्ञान है, और आप लोग पुस्तकीय ज्ञान को तो मानते ही हैं, क्योंकि हम लोग सब बचपन से जो कुछ भी पढ़ के चले आ रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, और इन सांपों के बारे में हम लोग जो कुछ भी बताते हैं वो भी प्रैक्टिकल है, सिद्ध किया हुआ है कि इस तरीके से इन सांपों को, इन सांपों का जीवनचर्या होती है, कैसे कैसे ये हमारे लिए प्राणघाती होते हैं, किस तरीके से ये हम इनसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने चैनल में कई बार बता चुका हूं। और अभी भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी इन जीवों से आपका सामना होता है, विशेष निवेदन है, इन जीवों से दूर रहें, सतर्क रहें, और हाँ, जानकारी से बड़ा कोई बचाव नहीं होता है। जब भी सांप से ऐसा कोई सांप आपको जहरीला सांप काटता है, तो आपसे विशेष निवेदन है कि नाक के पास कपूर कस लें और सीधा जिला अस्पताल जाएं, बीच में कहीं ना रोकें, कोई झाड़ फूँक ना कराएं, ऐसा कराने से आपको जानलेवा सिद्ध हो सकता है। इसलिए विशेष निवेदन है कि इन जीवों के प्रति अपने आप को सजग और सतर्क रखें। दोस्तों इन जीवों को मारना भी एक प्रकार का दुराचार ही है, क्योंकि हालांकि इन जीवों का जीना प्रकृति के लिए और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जीव भी हमारे इस इकोसिस्टम को, हमारी प्रकृति में जो बैलेंस होता है उसको बनाए रखने का काम करते हैं। दोस्तों इन जीवों का होना भी आवश्यक है, इसलिए प्लीज़ दोस्तों इन जीवों को बचाने में हमेशा सहयोग करते रहें। आप लोगों को बता दूं कि ये हमारे प्रकृति मित्र हैं, पर्यावरण मित्र हैं, हमारा अनाज बचाते हैं, और साथ ही साथ ये हमारे जीवन की रक्षा अर्थात दवाइयों में भी हमारा सहयोग देते हैं। उस हिसाब से इन जीवों का बचाना हमारा पूरा पूरा कर्तव्य बन जाता है दोस्तों। इसलिए आप लोगों से विशेष निवेदन है कि इन जीवों को बचाने में हम जैसे सभी सर्प मित्रों का सहयोग करते रहें। और हाँ दोस्तों, आप लोग को एक जानकारी और देना था, प्लीज़ विशेष निवेदन है, अभी मैंने देखा है कुछ नए नए लड़के सर्प मित्र का काम करने लगे हैं, 10-12 साल के, प्लीज़ विशेष निवेदन है उनके माँ बाप से भी और सभी
आस सभी पास पड़ोसियों से भी कि प्लीज़ ऐसे बच्चों को दूर रखें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जानलेवा काम है दोस्तों। उन्होंने अपना जीवन जिया भी नहीं है और वो ऐसे खतरों के साथ खेलने लगे हैं, कभी भी उनके साथ हादसा हो सकता है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप सबों से विशेष निवेदन है, ऐसे बच्चों को सर्प मित्र के रूप में ना बुलाएं। उनके साथ में हादसा अगर यदि होता है तो इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप लोग भी हो सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से विशेष निवेदन है कि इन बच्चों को सलाह दें, वो ऐसा काम ना करें। ठीक है दोस्तों, जो भी इस चैनल में नए हों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।